नमस्कार, मौसम चलावा चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज 23 सितंबर 2024 का शाम का मौसमी विश्लेषण है और शाम के इस समय 7:15 बजे का समय है। अभी के विश्लेषण में आपको जानकारी देंगे कि किस प्रकार मौसम रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान और आने वाले दिनों में राजस्थान के क्षेत्रों में क्या स्थिति मौसम की रह सकती है। फिलहाल देखिए तो आज भारतीय मौसम विभाग ने मानसून के वापसी की जो घोषणा है वो पश्चिमी राजस्थान के कुछ ज़िलों से कर दी है, जिसमें देखे तो अनूपगढ़ के क्षेत्र हैं, बीकानेर, जोधपुर के इलाके हैं, कुछ नागौर के पश्चिमी इलाके हैं, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर के दक्षिण पश्चिमी बॉर्डर तक के इलाकों में मानसून वापसी की घोषणा की है। कच्छ के जो उत्तर पश्चिमी इलाके हैं वहां तक भी मानसून वापसी की मौसम विभाग द्वारा घोषणा की गई है। यानी IMD ने आज जो मानसून वापसी रेखा है वह बनाई, आप नीले कलर में देख सकते हैं। जो नीले कलर के पश्चिम के इलाके हैं कच्छ के और पश्चिमी राजस्थान के, यहाँ तक मौसम विभाग ने मानसून वापसी की घोषणा आज की है। यहाँ पर कई दिनों से वर्षा की गतिविधियाँ नहीं थी। उत्तर पश्चिमी राजस्थान, पंजाब के इलाकों में भी देखें तो लगभग पिछले 2 सप्ताह से छुटपुट बारिश को छोड़कर ज़्यादातर शुष्क मौसम। हालांकि आर्द्रता की स्थिरता अभी भी बनी हुई है जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर के इलाकों में। अभी भी कई जगहों पर जो दिन की आर्द्रता है वह लगभग 50 से 55% तक दर्ज की जा रही है, जबकि वहीं अधिकतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर कई जगहों पर 70% से ऊपर बना हुआ है। जबकि अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, सोजत, इन क्षेत्रों में देखें तो न्यूनतम आर्द्रता का स्तर 50 से 60% के बीच में है, जबकि अधिकतम आर्द्रता का स्तर यहाँ पर 97-98% तक बना हुआ है। यानी अक्टूबर के लगभग पहले सप्ताह के अंतिम दिनों तक या खैर दूसरे सप्ताह की शुरुआत तक भी मानसून की स्थिति पाली के अरावली रेंज के क्षेत्र, अजमेर के अरावली रेंज के क्षेत्र, सीकर, जयपुर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर संभाग, उदयपुर, बांसवाड़ा संभाग, इन क्षेत्रों में मानसून की स्थिति बने रहने की संभावना है। जबकि यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान जो बारिश की गतिविधियों की संभावनाएं देखें तो उदयपुर और कोटा संभाग में कुछ जगहों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है आज रात्रि से लगाकर, जिसमें विशेषकर डूंगरपुर, बांसवाड़ा के दक्षिणी भागों में कई जगहों पर मूसलाधार वर्षा, जिसमें मध्यम से कुछ भारी खंड वर्षा वाली स्थिति बिल्कुल बॉर्डर वाले क्षेत्रों में गुजरात और मध्य प्रदेश के सटे क्षेत्रों में देखने को मिलने की संभावना है। और 24 घंटों के दौरान बारिश का दायरा बांसवाड़ा और जो कोटा संभाग के दक्षिणी इलाके हैं वहाँ से गुजरात के उत्तर पूर्वी पूर्वी इलाकों में वर्षा की गतिविधियों में बढ़ोतरी होते हुए मूसलाधार वर्षा दर्ज होने की संभावना है। मेघ गर्जन के साथ आने वाले दिनों में वर्षा का दायरा राजस्थान के उत्तर पश्चिम से दक्षिण पश्चिम और पश्चिमी इलाकों तक पूर्वी हवाओं के साथ वर्षा दर्ज होने की संभावनाएँ हैं। फिलहाल देखें तो उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलन और जो एंटी साइक्लोनिक स्थिति बनती है प्रभावी, तब जो है शुष्क हवाओं का दायरा पश्चिम में बढ़ जाता है और न्यूनतम आर्द्रता का स्तर घटकर 30 से 25% के आसपास बना रहता है। उस दौरान अधिकतम तापमान भी यहां पर बढ़कर 40 से 42 डिग्री तक, कई बार 44 डिग्री तक पश्चिमी जिलों में पहुंच जाते हैं और उसी दौरान बारिश का एक बड़ा गैप रहता है और उत्तर पश्चिमी हवाओं का चलन बढ़ने लगता है और जो पूर्वी हवाएँ हैं वह जो हैं बिल्कुल ही शांत हो जाती हैं और जो पश्चिमी हवाओं का रुख रहता है उनके आगे फिर पूर्वी हवाओं का चलन नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा प्रभावी मानसून की स्थिति नहीं होती है कि इतने पश्चिम तक जाकर पूर्वी हवाओं का चलन बढ़े। लेकिन अब आने वाले दिनों में देखें तो 25 सितंबर से लगाकर 30 सितंबर के मध्य राजस्थान के पूर्वी जिलों में भारी तो कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, तो वहीं अरावली रेंज, अजमेर, पाली संभाग के इलाके, सीकर, जयपुर संभाग के इलाकों में मध्यम तेज, कहीं मूसलाधार, कहीं कहीं मध्यम से भारी खंड वर्षा, तो वहीं बीकानेर, जोधपुर संभाग के इलाकों में मध्यम तेज बारिश की संभावना है। फिलहाल वर्तमान में देखें तो ट्रफ की स्थिति मध्य राजस्थान के आसपास से होते हुए दक्षिण पूर्वी राजस्थान के इलाके हैं, कोटा और उदयपुर संभाग के मिले जुले, यहाँ से दो हवाओं का पैटर्न जो है उत्तर पश्चिम और कुछ यहाँ पर उत्तरी हवाओं का मिलन ट्रफ की स्थिति दर्शा रहा है। और बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों पर देखें तो यहाँ पर जो दो सिस्टम सर्कुलेशन बने हुए थे ये आपस में मर्ज होते हुए यहाँ पर जो है एक LPA बना चुका है, यानी एक उभरता हुआ निम्न दबाव का क्षेत्र उभर चुका है। अब आने वाले दिनों में जल्द ही 24 से 48 घंटों के दौरान ये प्रभावी निम्न दबाव बनते हुए इसके आगे डिप्रेशन बनने की संभावना जल्द बनेगी और ये वेलमार्क बनते हुए आगे बढ़ेगा। यहाँ पर देखिए मैप पर तो आज रात्रि से लगाकर अगले 24 घंटों के दौरान बारिश का जो सबसे हल्का पैटर्न दिख रहा है इसमें कलर का, वह है बादल छाने के साथ कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार। ज़्यादातर इस दायरे में मौसम शुष्क बना रहेगा 95% से अधिकतर इलाकों में, जबकि जो इसके बाद का नीला कलर है वहाँ पर तेज़ या मूसलाधार वर्षा की संभावना है। जो बीच वाला कलर है डूंगरपुर और बांसवाड़ा पर बना हुआ और मध्य प्रदेश, गुजरात के मिले जुले क्षेत्रों में जो तीसरे नंबर पर सबसे गहरा कलर है
वहाँ पर जो है मूसलाधार और मध्यम से लगाकर भारी खंड वर्षा होने की संभावना है अगले 24 घंटों के दौरान। जो पिंक कलर की लाइन है या कहे जो गुलाबी कलर की लाइन है, यहाँ इन क्षेत्रों से लगाकर मानसून की वापसी मौसम विभाग के द्वारा दी गए जानकारी के अनुसार हो चुकी है। जबकि आने वाले दिनों में किसान भाई यहाँ पर मानसून वापसी की घोषणा को देखकर जो है असावधानी या कहे बिल्कुल असतर्कता रखते हुए या बिना मौसम की जानकारी को देखते हुए फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए जो है एक जानकारी रहेगी कि आप लगातार मौसम अपडेट रखें। आने वाले दिनों में आपके क्षेत्रों में जहां मानसून वापसी हुई है उन क्षेत्रों में भी मध्यम तेज वर्षा का दौर जल्द ही देखने को मिलेगा पूर्वी हवाओं के साथ, जिससे आपकी कटी कटाई फसल पर नुकसान संभव है। इसीलिए मानसून वापसी की घोषणा हो जाने के बावजूद भी आपके क्षेत्रों में बारिश की गतिविधियाँ आने वाले दिनों में देखने को मिलने की संभावना है, जो कि मानसूनी सिस्टम की वजह से है न कि WD के कारण, क्योंकि आने वाला सिस्टम प्रभावी और उसकी वजह से ही पूर्वी हवाओं का चलन गुजरात के क्षेत्रों से लगाकर पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों तक यानी संपूर्ण राजस्थान को पूर्वी हवाओं के साथ कवर करते हुए बादलों की आवाजाही बढ़ाएगा, मेघ गर्जन की स्थिति बढ़ेगी और कोटा उदयपुर बांसवाड़ा संभाग कुछ भरतपुर संभाग में मूसलाधार कहीं भारी वर्षा तो कहीं कहीं बहुत भारी वर्षा होने की संभावना अरावली पहाड़ों सहित रहेगी। माउंट आबू सिरोही के क्षेत्रों से लगाकर पाली के दक्षिण पूर्वी अरावली रेंज के क्षेत्र हैं राजसमंद, इन क्षेत्रों में भी कई जगह पर मूसलाधार और मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना रहेगी और ये बारिश का दौर 25 से लगाकर 30 सितंबर के मध्य राजस्थान के क्षेत्रों में देखा जाएगा। जबकि इसके जो पश्चिम के इलाके हैं पाली संभाग के, जिसमें सांचौर जालोर बाड़मेर बालोतरा जोधपुर के मिलेजुले क्षेत्र जोधपुर संभाग के, वहाँ से होते हुए जैसलमेर पोकरण फलोदी गंगानगर हनुमानगढ़ अनूपगढ़ चूरू झुंझुनू सीकर के इलाके कुचामन डेगाना बेल्ट अजमेर ब्यावर केकड़ी जयपुर के आसपास से लगाकर देखें, यहाँ पर बारिश की गतिविधियाँ मध्यम तेज कहीं मूसलाधार, जबकि पश्चिम के इलाकों में बीकानेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार खंड वर्षा सीमित दायरों की होने की संभावना है, जिससे किसान भाइयों को फसल कटाई के दौरान नुकसान संभव है। इसलिए आप किसान भाई हमेशा मौसम से जो है रूबरू रहे या कहे मौसम की अपडेट सुबह और शाम के समय में ज़रूर जहां पर भी आप देखते रहे, क्योंकि आपकी फसल को बचाना या आपकी फसलों में होने वाले फसल कटाई के दौरान नुकसान को कम करना हमारा सदा ध्येय रहता है कि किसानों की जो फसल कटाई होती है उस दौरान उनको सटीक जानकारी मिलती रहे। आने वाले दिनों में जैसलमेर बीकानेर गंगानगर हनुमानगढ़ चूरू फलोदी पोखरण के इलाके हैं बाड़मेर बालोतरा के इलाके हैं सिर तहसील फतेहगढ़ से लगाकर तनोट तक के क्षेत्रों में भी बारिश की गतिविधियों की संभावना है। वहीं सीकर संभाग के भी कई भागों में तेज या जोरदार वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना है, जिसमें मान लीजिए 20 50 30 40 गांवों में एक साथ तेज खंड वर्षा हो रही है तो पास वाले गांवों में मौसम शुष्क, लेकिन कुछ घंटों के बाद या दूसरे दिन पास वाले गांवों में भी फिर बारिश का दौर खंड वर्षा के रूप में हल्की मध्यम कहीं तेज कहीं बूंदाबांदी बौछार। तो इस प्रकार की वर्षा फसल कटाई के दौरान होने वाली किसानों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती है। तो आने वाले दिनों के लिए किसान भाई जो जहां मानसून वापसी की घोषणा हुई है या अगले 24 घंटों के दौरान हो सकता है मौसम विभाग द्वारा कुछ घोषणा की जा सके, तो उन क्षेत्रों में भी जो है आप सतर्कता बनाए रखिए, क्योंकि 25 से लगाकर 30 सितंबर और उसके बाद जो अक्टूबर का पहला सप्ताह है यहाँ पर जो है मानसूनी प्रभाव पश्चिमी राजस्थान के क्षेत्रों तक अपना प्रभाव दिखाएगा। पूर्वी हवाओं के साथ बादलों की आवाजाही पूर्व दिशा से बढ़ेगी और मानसूनी बादल पश्चिम तक जो है फिर से बढ़ते हुए अपना असर खंड वर्षा के रूप में मध्यम तेज कहीं कहीं मूसलाधार कहीं शुष्क मौसम भी बना रहेगा या बौछार वाली स्थिति भी रहेगी, या हो सकता है लगभग जो है 25 से लगाकर 30 के समय में कहीं पर 27 तक बारिश न हो और 28 को जाकर वहाँ पर मध्यम खंड वर्षा देखने को मिल जाए, तो ये फसलों के लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक जो कटाई की हुई फसलें होती हैं, चाहे वह ज्वार बाजरा मूंग या ग्वार की फसल ही क्यों ना हो। हालांकि ग्वार की फसल की कटाई के लिए अभी समय पड़ा है, लेकिन ज़्यादातर कटाई का कार्य अभी ज्वार और बाजरे की, वहीं देखें तो मूंग की कटाई जोरों पर पाली से लगाकर बीकानेर और जोधपुर संभाग के क्षेत्रों में चल रही है। तो आने वाले दिनों में इस वर्षा के लिए जो भी स्थितियाँ बनती हैं उससे किसान भाइयों को हमेशा रूबरू रहना चाहिए या हमेशा जानकारी प्राप्त करनी चाहिए। बिल्कुल ही इस प्रकार निश्चिंत नहीं रहे कि अब मानसून वापसी की घोषणा हो गई है तो अब मानसून की बारिश इन क्षेत्रों में होने वाली नहीं है, बिल्कुल यहाँ पर मानसून की वर्षा होने वाली है। आर्द्रता की स्थिरता अभी भी वहाँ पर बनी हुई है और जो जलवाष्प की स्थिरता है वह भी वायुमंडल में काफ़ी मात्रा में फिलहाल वहाँ पर दर्ज है। तो आने वाले दिनों में घने बादल बनने के साथ मेघ गर्जन और तीव्र वर्षा देखने को मिलने की संभावना भी अलग अलग खंड वर्षा के रूप में रहेगी। तो फिलहाल अभी की जानकारी के लिए इतना ही, आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद।